आपको भी ये परेशानी रहती है कि लेबर पेन शुरू होगा तो कैसे शुरू होगा, लेबर पेन के लक्षण क्या क्या होता है, मैं कैसे पहचानूंगी कि लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है या फिर कोई और एब्डोमिनल पेन है, तो वो मैं आइडेंटिफाई कैसे कर पाऊंगी कि ये लेबर पेन ही है और मुझे हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, मेरी डिलीवरी का समय है। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि दर्द के अलावा बॉडी में क्या क्या ऐसे सिम्टम दिखते हैं जिसको चलते हमें तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, जो ये संकेत देता है कि वहाँ पे डिलीवरी का समय आ गया है, जैसे कि बच्चे की पानी का थैली फूट जाना, लिकर लाइकर बाहर आ जाना, बच्चे के मूवमेंट बंद हो जाना, बॉडी और भी आपको कुछ ऐसे बदलाव दिखाएगा जिसके चलते आपको वहाँ पर तुरंत ही डिसीजन लेना चाहिए कि चलो अब हॉस्पिटल जाने का समय हो गया है। तो यहाँ पर वो सारी बातों का डिस्कशन हम करने वाले हैं, लेबर पेन शुरू होगा तो किस तरह से शुरू होगा, प्रोग्रेस किस तरह से होगा, लेबर पेन को कम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जी हाँ, लेबर पेन को आप कम कर सकते हैं, इसकी टेक्निक आज हम बताएंगे जिससे आपको दर्द कम होगा। लेबर पेन का जो समय होता है, यानी कि यदि आप प्राइम में है, पहली बार आपका डिलीवरी है, तो वहाँ पर लेबर पेन होगा 10 से 14 घंटे के बीच, यानी कितना लेबर पेन होगा उसके बाद जाके डिलीवरी होने की संभावना है। यदि सेकंड बार डिलीवरी है तो वहाँ पर लेबर पेन होगा 8 से 10 घंटा, उसको कम कर सकते। जी हाँ, होम्योपैथी दवाइयाँ आती है जिससे लेबर पेन भी कम हो सकता है, लेबर पेन की जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो सकती है, और कुछ टेक्निक ऐसी है जिससे आपको यहाँ पर लेबर पेन जो दर्द होता है वो कम महसूस होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो सारी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। फ्रेंड आखिर तक जुड़े रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, और अभी तक गर्भ गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेबर पेन कैसे शुरू होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं और कब आपको हॉस्पिटल के लिए जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको हॉस्पिटल जाना कब चाहिए। उसमें सबसे पहला है लेबर पेन। लेबर पेन का शुरू हो जाना यानी कि आपको वहाँ पर हॉस्पिटल के लिए जाना चाहिए, लेकिन लेबर पेन में कौन से स्टेज में आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज दर्द स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा पेन हो, तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जैसा होता नहीं है, तो कौन से स्टेज में जाना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हॉस्पिटल में जाने में सबसे पहला सिम्टम है आपको लेबर पेन का स्टार्ट हो जाना। दूसरा सिम्टम है पानी का लीकेज होना, पानी की थैली फूट जाने सब बोलते हैं। यदि पानी निकल जाता है तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक बार पानी निकल जाता है पूरा का पूरा तो बच्चा अंदर सूख जाता है और वहाँ पर आखिरी दिनों में बच्चा खोने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि पानी का लीकेज हुआ है तो आपको बिल्कुल घर पर वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत ही आपको हॉस्पिटल के लिए निकल जाना चाहिए। यदि डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि पानी अंदर ज़्यादा निकल गया है, मुख नहीं खुला है या फिर लेबर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है और आपको सीजर करना चाहिए, तो वो डिसीजन भी आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अंदर बच्चा सूख जाने के, पानी निकल जाने के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा सिम्टम होता है बच्चे की मूवमेंट, बच्चे को डिस्ट्रेस आना। यदि बच्चे मूवमेंट अच्छे से नहीं कर रहा है, फिटल मूवमेंट कैसे काउंट करते हैं वो आगे वीडियो में हम समझाएंगे, उस तरह से यदि बच्चा मूवमेंट नहीं करता है तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाना चाहिए। तो ये तीन वहाँ पर मेन सिम्टम होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे लेबर पेन के बारे में, लेबर पेन में किस तरह से किस समय पर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। देखो लेबर पेन किस तरह का होगा, सबसे पहले तो यही सवाल होता है कि लेबर पेन यानी किस तरह से आपको फील होगा। बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, जैसा आपको मेंसेस के टाइम पे पेन होगा वैसा ही पेन आपको होगा। पेट में, पेड़ों में दर्द रहेगा, कमर में दर्द रहेगा, पाँव में दर्द रहेगा, पेन उसी तरह से होगा। लेकिन पीरियड में जो पेन होता है उससे 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा होगा, तब जाके बच्चा बाहर आएगा। पेन वैसा ही रहेगा, सबसे पहले आपको कमर में दर्द होगा, धीरे धीरे आपको दर्द है वो पेट में आएगा, पेट होगा वो कड़क होगा, पाँव में क्रैम्प आएंगे, पाँव में दर्द होगा, इस तरह से पेन जो होगा वो धीरे धीरे आपको ज़्यादा होगा। पहले थोड़ा सा पेन हुआ, फिर पेन रुक गया, फिर आपको आधे घंटे बाद पेन होगा, फिर पेन रुक गया, फिर आधे घंटे बाद पेन होगा, इस तरह से धीरे धीरे पेन आपको शुरू होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। लेकिन जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम आगे बढ़ेगा वैसे क्या होगा, पेन आपको सीवियर होता जाएगा और बीच का जो टाइम है वो कम होता जाएगा। यानी कि पेन हुआ आपको, फिर 10 मिनट में पेन होगा, 8 मिनट में पेन होगा, 6 मिनट में पेन होगा, इस तरह से बीच का जो टाइम होता है वो कम होता जाएगा और पेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, उसको हम बोलते हैं लेबर पेन। लेबर पेन वहाँ पर यदि आपको शुरू होता है तो हॉस्पिटल कब जाना चाहिए, लेबर पेन में तुरंत ही हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं रहती, घर पर दादी रहते हैं, मम्मी लोग रहते हैं,
तो उनको पता रहता है कि आपको पेन किस तरह से करना है। पेन यानी पुश करने ऐसा भी नहीं होता, आपको ऐसा बोलेंगे कि पेन है अभी नीचे की तरफ पुश करने लगो, बैठ जाओ पुश करो, टॉयलेट की पोजिशन में बैठ जाओ, नीचे बच्चे को पुश करो, अभी वहाँ पर सब करने लगो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यदि आपको लेबर पेन शुरू होता है तो इनिशियल स्टेज में आपको पुश करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहती है। पुश करने का समय आखिरी स्टेज में रहता है, जब आप टेबल पर रहते, लेबर टेबल पर ही पुश करना होता है। पहले के टाइम में पुश करने से आप थक जाएंगे, जब वहाँ पर एक्चुअल टाइम आएगा, आपको पुश करना है, आपको वहाँ पर मेहनत करनी है, तब आप थके होंगे, आखिरी टाइम पे सीजर का डिसीजन लेना पड़ता है। तो इसी तरह से जब भी पेन शुरू हुआ तुरंत ही पुश करने लगेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे ही लेबर शुरू होता है आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना है, काम रहना है, स्ट्रेस कम रखना है। जब भी पेन आए शांति से बैठ जाओ, पेन को बर्दाश्त करो और वहाँ पर धीरे से पेन चला जाएगा, थोड़ा सा वॉकिंग करो, बस इतना ही करना है और आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा स्टेप क्या रहता है, कब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, जब आपको पेन की फ्रीक्वेंसी है वो 10 मिनट पे आके रुक जाए, यानी कि पेन आया फिर गया फिर 10 मिनट में फिर साथ है, तब आपको वहाँ पे हॉस्पिटल के लिए निकल जाना चाहिए। दूसरा आता है पानी का लीकेज होना, यानी कि यदि पानी आपको निकल रहा है, वाटर ब्रेक हो गया है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल के लिए चले जाना चाहिए। अब यहाँ पर पानी यानी किस तरह का पानी होगा वो मेन बात रहती है। पानी यानी ऐसा नहीं होगा जो आपको व्हाइट पानी गिरता, इतना पानी नहीं होगा। ये पानी यदि वाटर ब्रेक होगा आपको तो यूरिन के तरह ही रहेगा, पतला पानी रहेगा यूरिन के जैसा, जिसमें व्हाइट थ्रेड जैसे दाने दाने रेसे रहेंगे। अब वो पानी कैसे होगा, यदि आप खड़े हो तो आपके पूरे पांव भीग जाएंगे, आपके कपड़े भीग जाएंगे, इतना ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर आएगा, ना कि थोड़ा सा पानी। यदि इतना पानी बाहर आता है तो उसको वाटर ब्रेक बोलते हैं और उस समय पे आपको तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाना चाहिए। घर पे उसमें आपको पेन सहन करने की या फिर पेन की शुरू होने की या और किसी भी तरह की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। तीसरा रहता है यदि आपको ब्लीडिंग होती है, जी हाँ, आपको न पेन हो रहा है ना ही वाटर ब्रेक हुआ है लेकिन ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो आपको घर पे बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, ब्लीडिंग के टाइम पे तुरंत हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे डॉक्टर जो डिसीजन ले उसके आगे आप वहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। और आता है बच्चे की मूवमेंट, यदि बच्चा कम मूवमेंट करता है तो आपको हॉस्पिटल में जाके एक बार चेक करना चाहिए, सोनोग्राफी में देखना चाहिए बच्चा वहाँ पर ठीक तो है ना। अब बच्चे के मूवमेंट आप कैसे ट्रेस करेंगे, एफएमसी से, एफएमसी यानी कि फीटल मूवमेंट काउंट। अब कैसे करेंगे, सुबह के 8 से लेकर रात के 8 बजे तक आप वहाँ पर गिनेंगे कि बच्चा कितनी बार अंदर घूमता है, कितनी बार वो मूवमेंट करता है। जैसे मूवमेंट करता है आप एक कागज़ लीजिए उसमें टिक मार्क कीजिए, कागज़ लीजिए उसमें टिक मार्क कीजिए, जितनी भी बार घूमा उतनी बार टिक मार्क करेंगे, पूरे दिन में काउंट करेंगे कितनी बार, कम से कम 10 बार होना चाहिए। यदि उसमें भी आपको पानी कम होने की संभव कंप्लेन है, यानी कि आपका इम्यूनिटी फ्लूड कम है, तो उसमें बच्चा ऑलरेडी कम घूमेगा और आखिरी दिनों में यदि बच्चा कम घूमता है तो तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा डिस्ट्रेस में होता है तो भी वो कम घूमता है। तो यहाँ पर आप फीटल मूवमेंट काउंट करके पता कर सकते हैं 10 या 8 से कम बार घूमता है बच्चा, तो आपको घर पे वेट नहीं करके गायनेक के पास जाके सोनोग्राफी से पता करना चाहिए बच्चा ठीक है या नहीं, आपको तुरंत हॉस्पिटल के लिए चले जाना चाहिए। और मैंने आगे जो बात बताई थी कि आपको लेबर पेन कम करने के लिए होम्योपैथी दवाइयाँ लेनी चाहिए, तो जी हाँ, उसके लिए आप होम्योपैथी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। होम्योपैथी दवाई लेने से जो पेन होगा वो भी कम होगा और जो ड्यूरेशन होगी वो भी कम हो जाएगी। और दूसरा आता है उसमें लेमेंस टेक्निक यानी कि ब्रीदिंग टेक्निक, जो आपको वहाँ पर डिलीवरी के दौरान प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेबर के दौरान प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे वहाँ पर बच्चे अच्छे से जल्दी से बाहर आ जाते हैं, आप थकते नहीं हैं और तुरंत ही इजीली डिलीवरी हो जाती है। तो लेमेंस टेक्निक का एक डिटेल वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। तो ये बात हो गई आपको कब कब हॉस्पिटल के लिए जाना चाहिए, लेबर पेन को कैसे कम करेंगे और उसमें किस तरह से आप जो डिलीवरी का टाइम है उसको भी शॉर्ट कर सकते हैं। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे क्यूएनएलाइजेशन होते रहते, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। अभी तक गर्भ गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे बाय।